गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू यू रामाउज मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या पर लेकर के आए हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन लेंगे। देखिए, व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम? असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोस्तों, ये एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही टाइप होता है, अलग से कुछ नहीं। ध्यान ही रखना है कि इसमें हमेशा रो और कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जरूरी नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपके रो और कॉलम डिफर हो सकते थे, अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहां मुझे जो एक मैट्रिक्स बनेगा, इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रॉब्लम ऑलवेज इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बट इन दिस असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स इट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर टू, कॉस्ट विच वी want to determine, we want to determine always be minimum। ठीक है दोस्तों, कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो भी कॉस्ट निकालेंगे, जो भी हम टाइम निकालेंगे, वो हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द कॉस्ट विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, जो हमें मूल्य निकालना है, जो हमें लागत निकालनी है, जो हमें टाइम निकालना है, वो हमेशा मेरा क्वेश्चन में मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्या होता है इसमें। दोस्तों, आपके कुछ जॉब होंगे, कुछ मशीन्स होंगी, तो आपको उन मशीन्स को वो जॉब ऑफर कर रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम आपके पास में उसका लाभ हो सके और आपका जो टाइम है वो कम से कम हो सके। तो दोस्तों, हमारा इसमें जो मिनिमम, जो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमारा मेन पर्पज रहेगा कि हम मिनिमम टाइम असाइन करवा सकें, मतलब ये जो मशीन है वो इस काम, इन पांच कामों में से किस मशीन को कौन सा काम दिया जाए जिससे कि वो कम से कम समय में उस काम को कर सके। दोस्तों, तो यहां हमारा कॉस्ट से जनरली रिलेशन जो होगा वो होगा समय से होगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे पर्पज रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम? दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच देयर कुड बी सम मशीन, देयर कुड बी सम जॉब, सो वी हैव टू असाइन जॉब टू मशीन सो दैट इट कुड कंप्लीट गिवन जॉब अंडर मिनिमम टाइम। उसको कम से कम समय में कौन सी मशीन किस काम को कम से कम समय में कर सके, ये हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का काम रहेगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारा मेन जो मोटो है वो हमारा यही रहेगा। ठीक है, कि कम से कम समय में इस काम को कर सके। अब देखिए, टाइप ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह ये भी दो टाइप की होती है। पहला आता है बैलेंस्ड, ये भी हमारे पास दो टाइप की होगी, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। दूसरा है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? जहां मेरे को रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड में क्या होगा कि जहां मेरे को एम इज नॉट इक्वल टू एन, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम वी हैव टू मॉडिफाइड अनबैलेंस्ड टू बैलेंस्ड। शुरुआत करने से पहले मुझे अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते थे एज इट इज। यहां पर जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास चार कॉलम है, ए बी सी और डी। ठीक है, और पांच मेरे को रो दी हुई है, तो मुझे एक डमी कॉलम एक्स्ट्रा यहां पर एड करना पड़ेगा ताकि ये मेरी अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो एक बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सके। उसी के बाद में ही हम दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसको मैं ई नाम दे देता हूं और उसको मैं 00 डमी कॉलम एक हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ी?
क्योंकि ये मुझे एक अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम दी हुई थी. टू मेकिंग इट बैलेंस आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी कॉलम जिसमें ये हमने 0 0 0 सारी इमेजेस दी. चलिए अब शुरुआत करते हैं. तो पहले सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको क्या चीज देखनी है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है. बैलेंस्ड है तब तो शुरुआत करनी है जो अभी हम शुरू करते हैं, और अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको देखना है कि वो रो में मुझे डमी रो एड करनी पड़ेगी या मुझे डमी कॉलम एड करना पड़ेगा. चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले हमको करना है दैट इज कॉल्ड रो रिडक्शन. सबसे पहली जो स्टेप है हमारे पास रो रिडक्शन करना है मुझे. रो रिडक्शन कैसे होगा कि आपको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, जितनी भी रो है सब में देखना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, और मिनिमम एलिमेंट आने के बाद में उस मिनिमम एलिमेंट को रो के बाकी सभी एलिमेंट से आपको सब्ट्रैक्ट करता जाना है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट रो में मेरे पास में मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो मैं 9 से 0 घटाऊंगा तो मुझे वापस 9 मिलेगा. 7 - 0 अगेन 7, 6 - 0 अगेन 6, 2 - 0 अगेन 2, और 0 में घटाऊंगा तो 0. ठीक है, सेकेंड रो में मुझे ये काम करना है कि सारे एलिमेंट जो है वो सबसे मिनिमम एलिमेंट्स में से घटाऊंगा. 6 - 0 6 6 - 0 6. तो आप देख रहे हैं थर्ड रो में भी एज इट इज, फोर्थ में भी एज इट इज, और फिफ्थ में भी एज इट इज. मतलब इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. इसके बाद में आपको करना है दैट इज कॉल्ड कॉलम रिडक्शन करना है आपको. कॉलम रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो काम हमने रो में किया है वही काम मुझे कॉलम में करना है. मतलब कि फर्स्ट कॉलम में देखेंगे मिनिमम क्वांटिटी आपको गिवन है 2, तो आपको हर एक क्वांटिटी में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है. ठीक है, तो मैं अगर इस पहले को देखेंगे तो 9 - 2 मेरा कितना आएगा, दैट विल 7. 6 - 2 दैट विल बी 4. 5 - 2 That will be 3, 4 - 2 2, and 2 - 2 0. ये मैं काम कर रहा हूं under column reduction. As it is second column, minimum value is given 2, 7 - 2 that is called 5, 6 - 2 4, 3 - 2 1, 2 - 2 0, and 8 - 2 6. ठीक है, ये हमारा चल रहा है column reduction का. Third column के अंदर minimum value 3 है, 6 - 3 3, 7 - 3 4, 4 - 3 that is 1, 5 - 3 2, 3 - 3 0. ठीक है, यहां पर हमारा समान आएगा. ठीक है, ओके दोस्तों, अब देख लीजिए आपके पास में इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज द 2. तो 2 - 2 0, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 9 - 2 7, that is the 9 - 2 7. ठीक है, और इस पर्टिकुलर कॉलम में तो मुझे दिख रहा है कि सारी वैल्यू 0 है. ठीक है, तो हमारे दो काम हो गए, तीन काम हो गए सॉरी. पहला हमने किया इसको बैलेंस्ड बनाया, सेकंड मैंने इसको रो रिडक्शन किया, थर्ड मैंने इसको कॉलम रिडक्शन किया. अब देखिए फोर्थ में आपको क्या करना है. फोर्थ में अब आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे असाइन शुरू करना पड़ेगा असाइनमेंट वाला काम. मतलब कि अगर मैं इस फर्स्ट रो को देखूं, सेकंड रो को देखूं, तो फर्स्ट रो में मुझे ध्यान ये देना है कि इस फर्स्ट रो के अंदर केवल जहां एक 0 आए उसको मैं असाइन करूंगा. जैसे कि इस फर्स्ट रो के अंदर मुझे 2 0 आ गए, दोस्तों यहां मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता हूं, इसको मैं असाइन नहीं कर सकता हूं. ठीक है, अब आप आ जाइए सेकेंड वाले, सेकेंड रो के अंदर आइए. सेकेंड रो के अंदर आएंगे तो मुझे एक रो दिख रहा है, मुझे एक ही 0. सेकेंड रो में मुझे एक ही 0 दिख रहा है, तो मेरा पर्पस रहेगा कि पूरे रो में एक 0 ही होना चाहिए. जैसे कि यहां मुझे 2 0 मिले तो मुझे यहां कोई काम नहीं करना, सेकेंड रो में आ जाना है. तो इस सेकेंड रो में मुझे एक 0 दिया हुआ है, क्योंकि मुझे एक 0 मिल गया तो मुझे इसको वर्टिकली लाइन खींचनी है और इसको असाइन कर देना है. समझाई बात आपको, कि आप रो में एक एक 0 ढूंढ रहे हैं. इफ यू गॉट मोर देन 1 देन यू हैव स्किप एंड गो टू नेक्स्ट रो. अब मैं इसकी बात करूंगा थर्ड रो की, तो इसमें मेरे को एक 0 था, बट ये 0 ऑलरेडी ये लाइन खींचने से, वर्टिकली लाइन खींचने से डिलीट हो चुका है. अब मैं इधर की बात करूंगा, तो दोस्तों मुझे इसमें एक 0 मिल रहा है, ये 0 मेरा काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिलीटेड है. एक 0 मिल गया, अब मैं वापिस यहां पर वर्टिकली लाइन खींच देता हूं. ठीक है,
अब मैं बात करता हूं अगर इस फिफ्थ रो की, दोस्तों इस फिफ्थ रो की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां पर मुझे ये दोस्तों अगर मैं इस फिफ्थ रो की बात करता हूं तो यहां पर मुझे दो जीरो मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको असाइन नहीं कर सकता हूं कि मुझे एक जीरो से अधिक चाहिए, एक जीरो से अधिक नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात हो गई है पांचों रो की, अब यहां पर मैं इसको ऐसे असाइन कर देता हूं। अब बात करते हैं कॉलम्स की, सीवन कॉलम, वही कंडीशन, मुझे एक कॉलम में एक जीरो होना चाहिए, एक से अधिक जीरो मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही मुझे यहां पर एक जीरो मिलता है, एक जीरो मिल रहा है, तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टली लाइन खींचूंगा, वर्टिकली नहीं खींचूंगा। ठीक है, थर्ड तो कॉलम वैसे ही हमारा खत्म हो गया, थर्ड कॉलम की बात करूं इसमें कोई जीरो नहीं है, फोर्थ कॉलम की बात करूं तो दोस्तों मुझे एक जीरो दिख रहा है, एक जीरो दिख रहा है, तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं इसको असाइन कर सकता था और यहां पर मैं इसको असाइन कर सकता था। ठीक है, अब आप फिफ्थ कॉलम में तो देखिए कोई आपके पास जीरो है नहीं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो असाइन किए हैं 1, 2, 3 और 4, क्या वो 4 जो है वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है उसके बराबर होना चाहिए, तो दैट इज द 5 इक्वल नहीं है, मतलब मुझे अभी और काम करना बाकी होगा। क्या मतलब, कैसे पता करेंगे आप कि मैंने यहाँ 4 असाइन किए हुए हैं वो आपके नंबर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, बट इक्वल नहीं है कि ऑर्डर मैट्रिक्स तो 5 × 5 है। ठीक है, इक्वल नहीं है मतलब मुझे अभी और थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब आपको विशेष ध्यान देना है, क्या करना है अभी आपको यहां पर दोस्तों, कि बाकी की जो नंबर्स पर हमने लाइन खींच दिए उसके अलावा आप देखेंगे क्या क्या डिजिट बचे हैं, 4, 4, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 7, तो इन डिजिट्स में से आपको लिस्ट डिजिट कौन सा, दैट इज द 1, तो इसको आपको जो बाकी रह गए उनमें से सेपरेट करना है, 4 में से 1, 4 में से 1, 4 में से 1, 3 में से 1, 1 में से 1, इस टाइप से आपको सेपरेट करना है। ठीक है, और जहां पर क्रॉस हो रहा है वहां पर एक ज्यादा एड करके आपको लिख देना है। ठीक है, जहां पर क्रॉस हो रहे हैं वहां पर आपको एक ज्यादा एड करके लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे इसमें, मैंने क्या बोला आपको वही आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहां पर कि हमारे पास में जिन डिजिट के ऊपर हमने क्रॉस नहीं किया हुआ है उसमें से सबसे लिस्ट कौन सा 1। अब आप जो डिजिट खाली रह गए हैं विदाउट लाइन खींचे उनमें से उस मिनिमम एलिमेंट को घटाएंगे, बाकी एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे और जो क्रॉस वाले एलिमेंट है उनमें एक एक बढ़ाकर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, 7 है वो एज इट इज लिखा जाएगा, पहले मैं पूरी लाइन वगैरह खींच देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने यहां पर एक नया मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है दोस्तों, 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7। 5 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि यहां पर क्रॉस हो रहा है। 3 की जगह पर 3, 0 की जगह पर 0, और इस 0 की जगह दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि यहां पर हमारा डबल क्रॉस हो रहा है। 4 में से 1 गया तो 3, ये 4 मेरा एजी जाएगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी लाइन खींची जा चुकी है। 4 माइनस 3, 4 माइनस 1, 3, और ये 0 एजी क्योंकि इस पर लाइन खींची जा चुकी है। 3 माइनस 1, 2, ये हमारा 1 एजी रहेगा क्योंकि इस पर लाइन खींची जा चुकी है। 1 माइनस 1, 0, 2 माइनस 1, 1 एंड दैट इज 0। इस 2 में से 1 यहां पर 0, इस 2 में से भी हमको 1 घटाएंगे हम, 7 माइनस 1, 6 दैट इज 0, ये 0 हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि लाइन आ चुकी है। 6 का मैं क्या कर दूंगा, 7, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, ये 0 एज इट इज रहेगा, 7 और इसका भी 1। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको वही सारा प्रोसेस वापिस करना है जो कि आपने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, मिल गया आपको। अब आपको एक एक लाइन को, रो को असाइन करना है। अगर मैं इस रो की बात करूंगा तो मुझे इसमें एक ही जीरो मिल रहा है, मतलब मैं इसको वर्टिकली इस टाइप से काट करके और असाइन कर सकता हूं। इस रो की बात करूंगा दोस्तों मुझे तो एक ही जीरो मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ओके, तो इसको मैं इस प्रकार से वर्टिकली काट करके और इसको असाइन कर सकता हूं। इसकी बात करूंगा तो दोस्तों मुझे यहां पर एक ही जीरो मिल रहा है, ये जीरो तो हमारा डिलीट हो चुका है, दिस इज ऑलरेडी डिलीटेड,
मेरे को एक ही जीरो बचा है, तो इसको भी मैं वर्टिकली काट करके और असाइन कर सकता हूँ। इसकी बात करूं दोस्तों, तो इस रो में मेरे को एक जीरो मिल रहा है, ये जीरो ऑलरेडी डिलीटेड है, इसको भी मैं वर्टिकली काट करके असाइन कर सकता हूँ। और दोस्तों इसकी बात करूंगा इस रो की, तो मुझे एक ही जीरो मिल रहा है, ये जीरो तो मेरा डिलीट हो चुका है लाइन खींचने की वजह से, इसको भी मैं वर्टिकली काट करके असाइन कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मुझे 5 असाइनमेंट मिल चुके हैं और इसका जो ऑर्डर है दोस्तों वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो 5। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे को जो कार्य जो दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ये मेरे को दिया था। अब देखिए मशीन कौन सा काम किस मशीन को दिया जाए, यहां आपके मशीन लिखी हुई थी वेरी इज, तो देखिए पहले वाला काम यहां आपके काम थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले वाला काम हमारे डी मशीन को देंगे हम, ताकि हमारी जो समय कम से कम लगे, ठीक है हमारा जो टाइम है दोस्तों वो हमारा कम से कम आ सके। ठीक है, सेकेंड वाला काम जो है हम ई मशीन को दे सकेंगे, थर्ड वाला काम जो है हम सी मशीन को दे सकेंगे, फोर्थ वाला काम बी मशीन को, दोस्तों डी वाला काम हम ए मशीन को दे सकेंगे। ठीक है, अब जो हमारी कॉस्ट आ रही है, जो हमको मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए इनको काम देने में, ठीक है हाँ, हमारी मिनिमम कॉस्ट हमारी होनी चाहिए, कम से कम खर्चा, कॉस्ट कम से कम, यहाँ के दोस्तों हमारा एक्सपेंडिचर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले की हमको सबसे पहले वैल्यू क्या दी थी, दैट वॉज गिवन 2। ठीक है, 2 थी हमारे डी वाले दोस्तों, ओरिजिनल जो था उसमें आप देख सकते हैं ई की वैल्यू 0 थी, 4 सबसे पहले जो हमने बनाई थी मैट्रिक्स उसको देखना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वहां पर, तो आप देखेंगे डी की जगह पर मुझे क्या दिया हुआ था, जो पहला काम मशीन को जो डी दिया था उसकी कॉस्ट क्या थी वो मुझे देखनी है, प्लस का 2 एंड दैट इज ऑल्सो प्लस का 2, टोटल मुझे कितना था, टोटल 10। दोस्तों ये मेरी आएगी मिनिमम कॉस्ट, जिसको कि मुझे उस अलग अलग काम अलग अलग मशीन को मैं असाइन दूंगा, जिससे मुझे कम से कम खर्चा पड़ेगा और मेरा समय भी जो है वो कम से कम लगेगा। कि दोस्तों ये जो पूरा मेथड था उसको हंगेरियन मेथड कहते हैं, ये दिस इज द ओनली वन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक ही मेथड होता है सॉल्व करने के लिए। आगे की वीडियो में हम इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके थैंक्स।